हे गाइज, वेलकम बैक टू क्वार्टर। कैसे हो आप सब? सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट सा प्रोडक्ट। ये है गाइज मेरा संदूक। जी हाँ, जैसे हमारे नानी और दादी के समय में संदूक हुआ करते थे ना, बिल्कुल वैसा प्रोडक्ट है गाइज। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं गई थी थोड़े से दिन पहले ऑफलाइन मार्केट, ठीक है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही मुझे ना थोड़ी सी एंटिक चीज़ें जो होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही उनमें इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे पसंद आई। अगर आपको पसंद आती हैं कुछ इस टाइप की चीज़ें, बिकॉज ये ना कुछ इस ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप अपनी वैनिटी एरिया में डायरेक्ट भी इसे रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, जी नहीं, बहुत ही अच्छा है। एक तो मुझे चाहिए थे मेरी ज्वेलरी एक ही जगह पर स्टोर हो, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया है। सेकेंड, मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी सी एंटिक पीसेस मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, सो उसमें मैं इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। एंड ये गाइस कुछ इस टाइप का बॉक्स है, ये कोई लाइक संदूक टाइप है, ठीक है। जैसे पुराने, अगर आप इसे यू नो ऑफलाइन देखोगे तो आपको इसे देख के यू नो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आएगी। मुझे तो आती है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। एंड इसमें गाइस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रखने वाली हूँ पूरी ज्वेलरी, जो मेरी वीडियोज़ के लिए मैं शूट करने के लिए जो भी मैं अपनी ज्वेलरी यूज़ करती हूँ, या फिर यू नो पार्टी फंक्शन के लिए, वो सभी ज्वेलरी मैं इसमें रख रही हूँ। बिकॉज मेरे पास जैसे ही ज्वेलरी आती है मैं उनको वैसे ही रखती हूँ, सेम जो बॉक्स आता है कार्डबोर्ड का उसमें ही रखती हूँ, ठीक है। तो वीडियो बनाने के टाइम मुझे थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है कि कौन सी ज्वेलरी कौन से बॉक्स में पड़ी है, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स बाय किया, बिकॉज मुझे नीड थी। अभी मैं जस्ट एक बॉक्स को ओपन करूँगी, उसमें से मुझे जो भी ज्वेलरी पहननी होती है तो पहननी होगी तो मैं वीडियो के हिसाब से वो पहन लूँगी, ठीक है। एंड इसमें सभी मेरी जो ज्वेलरी अच्छे से आ भी जाएगी एंड सेफ़ भी रहेगी, ठीक है। तो मैं अपनी ज्वेलरी को बहुत ही अच्छे से रखती हूँ, बिकॉज़ मेरे पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है, तो उसे अच्छे से रखना तो बनता ही है। तो सभी ज्वेलरी में आप देख सकते हो मेरे थोड़े से गोल्ड एंड ऑफ वाइट कलेक्शन ज़्यादा होती है। मुझे सभी कहते हैं कि आप थोड़ा सा गोल्ड में और ऑफ वाइट में ज़्यादा ही जाते हो, बिकॉज़ ये गाइस ऐसी ट्रिक है ना, अगर आप थोड़ा सा गोल्ड एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन लेते हो तो वो आपके हर एक ड्रेस के साथ, हर एक आपके यू नो सूट साड़ी जो भी आप पहनना पसंद करते हो उसके साथ ईजी से चला जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, मैं अपने सभी ज्वेलरी जो भी होती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, मैं अपने पूरे उसमें रखती हूँ, जो हमारे ये सिल्वर टाइप का जो कवर होता है ना उसमें अच्छे से उसे पैक करके ही रखती हूँ। इसके साथ क्या होता है, उसकी फिनिशिंग होती है वो सेम बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये गाइस यूबे के इयररिंग्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल हैं, ठीक है, बहुत ही लाइट वेट हैं। और अगर आप स्कूल गोइंग कॉल्स गोइंग गर्ल हो तो भी आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज ये 29 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक करना, मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने जस्ट छोटी सी क्लिप डाल दी आपको कि अगर हम कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो मेरे लिए तो चलो ये वीडियो काफ़ी बड़ी थी, बट आपके लिए तो छोटी सी होगी, तो उससे भी बनाने के लिए इतना सारा मैस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड ये देख सकते हो गाइज, अभी मैंने अपने पूरे इयररिंग्स इसमें रख दिए हैं, ठीक है। इयररिंग्स आप अगेन देख रहे हो गोल्डन में ज़्यादा हैं, ठीक है, गोल्डन और ऑफ वाइट जो कलर है उसमें ज़्यादा है। एंड गाइज, जो मेरे ऐसे झुमकी वाले इयररिंग्स होते हैं ना तो उनको मैं अलग से रखती हूँ। ये जो हमारी बैंगल्स वाली यू नो चूड़ी आती हैं, ठीक है, ये देखिए ये इसमें बैंगल्स आती हैं, ठीक है, तो इसमें मैं अपने रखती हूँ वो झुमकी वाले, क्योंकि अगर हम कुछ इस टाइप के बॉक्स में इसे रखेंगे ना तो वो उनकी झुमकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसे रखती हूँ अपने बॉक्स जो सर्कल वाला बॉक्स आता है बैंगल्स वाला उसमें, ठीक है। और ये देखिए ये थोड़े से हैं मेरे ग्रे कलर में, बस यही एक मेरे पास हैं जो थोड़े से मैंने थोड़े से मैचिंग वाले लिए हुए हैं। इसमें भी अगेन आप देख रहे होंगे कि गोल्ड एंड ऑफ वाइट है, ठीक है, तो ये थोड़े से मैंने अपने गाउन के साथ मैचिंग लिए थे, तो ये अभी उसी के साथ वेयर करती हूँ मैं मोस्टली, बिकॉज ये थोड़ी सी किसी और ड्रेस के साथ मुझे मिक्स एंड मैच करने में थोड़ी सी हो जाती है कई बार, ठीक है। अगेन ये हैं थोड़े से सूट के साथ मैचिंग, ठीक है, अदरवाइज़ मेरे सभी जो हैं वो गोल्ड में ही है, ठीक है। और ये देखिए गाइज, ये मेरे पास एक अलग सा यू नो ये रेड कलर का मेरी फ्रेंड ने मुझे रिंग दी थी मेरे बर्थडे पे, तो उसका ये बॉक्स है, ठीक है, पर्स है छोटा सा, ठीक है, तो उसमें मैंने रखी हुई अपनी जे वाली झुमकी। तो मैं अलग ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है इनका जो नीचे
बिकॉज इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है, तो इसके साथ इनकी जो शेप होती है, शेप बोलने वाली थी मैं, इनकी यू नो शेप होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो इस टाइप के झुमकी को मैं अलग ही रखती हूँ, ठीक है। और ये है मेरी छोटी सी नो स्पिन अगेन गोल्डन में है, ठीक है, तो देख सकते हो आप पूरी ये मेरी इसमें ज्वेलरी अच्छे से आ गई है, बहुत ही अच्छे से यू नो सेट हो चुकी है। और गाइस ये है मेरे पास एक छोटू सा बॉक्स जिसमें मेरे पास हैं पर्ल, ये पर्ल रखे हुए हैं इसमें मैंने। कई बार क्या होता है कि हम इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं यू नो शादी फंक्शन में जब हम पहनते हैं, कई बार किसी का हाथ उथ लग जाता है तो इसके पर्ल वगैरह निकल जाते हैं, तो इसमें मैंने अपने पूरे पर्ल स्टोर करके रखे हुए हैं, बिकॉज हर बार बाई न्यू बाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इन्वेस्ट तो हमें ही करना होता है, पैसे तो हमारे होते हैं तो बचाने तो पड़ेंगे। सो गाइज इस टाइप से हमारी जो आज की वीडियो कंप्लीट होती है, कैसी लगी बताना जरूर।